परिवहन विभाग की ओर से सत्र के अंतिम माह में अपने राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग की टीमें विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वालों, टैक्स जमा नहीं करवाने वालों तथा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल रही है। परिवहन अधिकारी जाकिर हुसैन ने बताया कि डीटीओ परिक्षेत्र में विभाग की टीमों ने 27 मार्च तक विभिन्न किस्मों के 3168 वाहनों के चालान काटे हैं। उक्त सभी वाहनों के चालानों से विभाग को 1,24,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। परिवहन अधिकारी हुसैन ने बताया कि काटे गए चालानों से विभाग को 70,00,000 रुपए का राजस्व मिल भी चुका है। उन्होंने बताया कि सत्र के अंतिम माह में विभाग की टीमें विभाग के राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने में जुटी हुई है। 1 मार्च से लेकर अभी 27 मार्च तक कुल 3168 गाड़ियों के चालान किए, जिससे 1,24,00,000 रुपये लगभग चालान होने से रिवेन्यू आएगा, जिसमें 70,00,000 के साथ चुके हैं। बारवान है, पैसेंजर व्हीकल है, गुड्स व्हीकल है, छोटी पिकअप कार से भी टाइप के वालों से कुल मिला के 3168 चालान किए, जो कि कुल 1,24,00,000 के चालान हो गए।